डेन डाइन रेस्टोरेंट के तो नीचे जाके देखते कि एक्चुअल में है क्या। गाइस मैंने अभी खाना खाया और मेरे लिए पार्सल ले लिया यहाँ पे है, तो रात का खाने का इंतजाम हो गया। अभी जरा होटल में अपने थोड़े आराम करूँगा, फिर उसके बाद आधे घंटे में निकल जाऊँगा अगली ट्रिप के लिए जो है पंचगिरी। तो पंचगिरी के बारे में सुना था बहुत, देखते कैसा होता है। सो गाइस मैं अभी अपने होटल में हूँ, तो मैं काउंटर के इधर बैठा हूँ। तो सिंस मैंने चेकआउट किया था क्योंकि रात को मेरी बस है, तो मैं पूरे दिन का पेमेंट करना पड़ता मुझे, और पूरा दिन तो मैं रुकने वाला था नहीं, तो मैंने उनसे बोला कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है बैठ जाओ आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी यहाँ थोड़ी देर बैठूँगा, फिर अपने अगली ट्रिप के लिए जाऊँगा। फिर जब शाम को आऊँगा, शाम को 5-6 बजे तक वापस आऊँगा, फिर यहीं पर बैठ के वेट करूँगा अपनी बस का। तो मतलब सॉर्टेड है यहाँ का, कुछ इश्यू नहीं है, बस वेट करना पड़ेगा। तो भाई मैं निकाल रहा अपने अगले ट्रिप के लिए जो कि पंचगढ़ी में। जो पंचगढ़ी का पैकेज जो है ना, उसमें कुछ तो 4 डेस्टिनेशन है, 4 पॉइंट्स है मतलब, एंड उस टूर का प्राइस है 700 रुपये। जो नॉर्मल महाबलेश्वर के 3 टूर थे उनके 550 थे, और पंचगनी के हैं 700 रुपये, क्योंकि पंचगनी शायद यहाँ से दूर हैं, कुछ 20 किलोमीटर दूर हैं, 20-22 किलोमीटर। तो अभी देखते कैसा होता है वहाँ पे। टैक्सी मेरी रेडी हो रही है, और हाँ मेरी बैग टैक्सी में रखे आया था मैं। उन्होंने बोला सिंस मेरे पास रूम नहीं है, उन्होंने बोला टैक्सी में रख दो। अभी पंचगनी की यात्रा शुरू। सब लोग गणपति लेके आ रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे गणपति बैठते हैं, दर्शन हो रहे जाते जाते। तो हम यहाँ पे आके रजिस्टर करना पड़ता है पहले, ऋषिकेश की नहीं। तो गाइस हमें ये रिसीट मिल जाती है ऐसी, तो अपना नाम एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, एंड पीछे टूर के बारे में इंफॉर्मेशन है कहाँ कौन से पॉइंट है। तो अभी अपन जा रहे हैं पंचगनी, तो उसमें आएगा एक पारसी पॉइंट, एक टेबल लैंड एंड एक बिलार वाटरफॉल, तो 3 पॉइंट है वैसे के लिए। तो देखते कैसा होता है। तो गाइस हम हमारे पहले पॉइंट पर आ चुके हैं जो कि एक बिलार वाटरफॉल है। सामने वो दिख रहा है वो बिलार गाँव है जो माउंटेन के टॉप पे है, एंड उस साइड वहाँ पे वाटरफॉल है। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा सा है। जब बारिश जोर से होती है ना तब वो बड़ा हो जाता है, पर अभी बहुत छोटा है, ऐसे मुझे ड्राइवर रन करने का है। तो ये पॉइंट यही से था, मुझे पहले ही बोला था कि बिलार पॉइंट ज़्यादा है नहीं, बस दूर से देखना पड़ता है। ठीक ठाक है ये, मतलब जस्ट बिकॉज वो वाटरफॉल बहुत दूर से दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। बाकी व्यूज तो मतलब वैसे ही है बेस्ट। सो गाइस अभी हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे हैं जो है पारसी पॉइंट, और इनकी व्यूज भी बहुत मस्त हैं। जो हमने केथ पॉइंट पे देखा था वैसे ही कुछ है। वाह जरा व्यूज तो देखो, वाह जो केट्स पॉइंट हमने देखा था वैसा ही है और बहुत ब्यूटीफुल है।
हमने जो पार्थिव पॉइंट पे नदी जो देखी ना बीच में से जा रही थी वो कृष्णा नदी थी। बहुत ब्यूटीफुल था वो पॉइंट, अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं अगले पॉइंट के लिए। तो गाइस मैं एक और पॉइंट आ गया जो है टेबल लैंड। तो पीछे हॉर्स मिलते हैं, तो मुझे प्लान समझाया कि वो कुछ तो 3 किलोमीटर का पूरा एरिया है एंड वो पूरा घूमा के लाएंगे 3 किलोमीटर जाने के 3 किलोमीटर आने का और पॉइंट दिखाएंगे। उसका 8 फुट होता है, पर सिंस मेरा बजट नहीं है तो उनको बोला मैंने कि मेरा बजट है ही नहीं, तो उन्होंने कम किया, पर स्टिल मेरे पास उतना हो नहीं पा रहा था मेरे से इतना बजट में। कॉज पंचगनी का ट्रिप ही 700 का हो रहा था और इसके लिए 800 देना मेरे से नहीं हो पा रहा था, उनसे बोला मैंने, उन्हें बोला ठीक है कोई नहीं। तो फिलहाल बस पैर से घूम रहा हूँ। तो ये है वो टेबल टॉप एरिया। बेसिकली अगर हम और यहाँ से आगे जाएंगे पूरा प्लेन का प्लेन एरिया है, तो मतलब 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा वहाँ ख़त्म होता है। तो मैं इतना तो नहीं चलने वाला आज, तो जितना हो सकता है उतना मैं आपको दिखाता हूँ। अपन साइड से चलते हैं, यहाँ से व्यू मस्त है। तो यहाँ पे किए हैं डेन डाइन रेस्टोरेंट केव, क्योंकि अंदर रेस्टोरेंट ऐसा दिखा है यहाँ पे। तो नीचे जाके देखते कि एक्चुअल में है क्या, ये रास्ता है ऐसा। कि रास्ता देख रहे हो, इधर लोगों को खाना आता है। ये और नीचे जा रहा है। ओके अच्छा, ये रेस्टोरेंट है क्या? रेस्टोरेंट ये है। हाँ ओके, ये है रेस्टोरेंट। केव के अंदर रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मेन्यू भी लिखा है। यहाँ पे एक टनल है जहाँ पे अंदर शिव जी की मूर्ति है, क्या बताना पड़ता है। खेव रेस्टोरेंट, सही है ना, क्या कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक और केव है, केव नंबर 2। वो रास्ता तो ठीक ठाक है नहीं, पर देखता हूँ कैसा है। ओके उसको कहते टाइगर केव, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाके देखता हूँ इतना आया हो तो। ओके रास्ता उतना अच्छा है नहीं, मैंने बोलता हार्डली 5 मिनट लगने वाला है, बोर्ड पे लिखा था ऐसा। ओके फाइनली पहुंच गया मैं टाइगर केव। एंट्री फी 10 रुपया, पर कोई है क्या एंट्री फी लेने के लिए? हाँ एंट्री फी 10 रुपीज। आपका छुट्टे सोका नोट है। इसको टाइगर क्यों क्यों कहते हैं? पहले टाइगर। अच्छा यहाँ पे, वाह ये टाइगर केव है। ओके इतना ही था। ओके ये टाइगर केव, यहाँ पे पहले टाइगर रहते थे।
ऐसा कहा है मुझे। अच्छा ये तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेबल टॉप आएगा। और यहाँ से टेबल टॉप की एंट्री जाने में कितना टाइम लगेगा? खाली आधा 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 ऊपर जाने में नहीं, यहाँ से टेबल टॉप की एंट्री पे जाए इतना सीढ़ी चढ़ के आएगा उतना ही है। ओके ठीक है। अच्छा ठीक है। सो यहाँ पे भी रेस्टोरेंट टाइप है। यहाँ से फोटो देखते हैं, यहाँ से भी व्यू अच्छे हैं मस्त। तो ये टाइगर क्यों से बाहर निकल रहे हैं। ओके गाइस, ये टेबल टॉप पे तो मज़ा आ गया, मतलब बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। इतने सारे व्यूज, मतलब हर एक कोने पे व्यूज हैं। यहाँ पे सारे माउंटेन दिख रहे हैं मुझे और यहाँ पे भी आगे पीछे हर जगह पे बहुत बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह। मतलब पंचगिनी की ये जगह सबसे ऑसम लगी मुझे, मस्त। तो मैं सोच रहा ऐसे राउंड मार के फिर एग्जिट कर लूँ। वाह हवा भी मस्त चल रही है। वाह ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। मुझे लग रहा शायद से पार्किंग पॉइंट जो था ना वो वहाँ पे था, क्योंकि वहाँ से मैं जो व्यू देखा था ना सारा व्यू यहाँ पे है। इतना ऑसम लग रहा है ना। गाइस यहाँ के तो बादल भी एकदम ऑसम दिख रहे हैं आपको, मैं क्लाउड दिखाता हूँ, बहुत ऑसम है। तो गाइस ये था मेरा पंचगनी का टूर, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये। मेरे ख्याल से पंचगनी में विजिट करने के लिए यही सबसे बेस्ट है एंड द पार्सी पॉइंट वॉज गुड। क्या खुला मैदान है ये, बहुत मस्त लग रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। मेरा टोटल खर्चा होता है महाबलेश्वर पंचगनी 2 दिन का वो है